तो वेन डायग्राम हम लोग जस्ट वेट मंथ वेन डायग्राम को अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं, उसके पहले फिगर एंड मोड इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी आर्गुमेंट का एक फिगर होता है और उसका एक मूड होता है। तो आप वो फिगर कैसे हैं आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका मूड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी आर्गुमेंट हम वेन डायग्राम से बताएंगे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले आप फिगर को कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले चार प्रकार के फिगर हैं हमारे या आकृतियां हैं। तो आकृतियां कितनी प्रकार की हैं, चार। फर्स्ट चार हमको आकृतियां याद रखनी है। तो कैसे है याद रखते हैं या कैसे याद रखना है ये आपका अपना विचार है, लेकिन एक ट्रिक है जिससे आप भूले नहीं कि कौन सी ये फिगर निकल रही है, कौन सी फिगर पूछी जा रही है। तो आप लोगों को एक थोड़ा सा किसी तरह से याद रख लीजिए, बस मैं बता रहा हूं कि पहले फर्स्ट आप चारों फिगर को एक साथ लिखिए हमेशा, और पहले शुरू कीजिए फर्स्ट रो में कि पहले कोई भी आदमी एमपी बनेगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, तब जाके पीएम बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इस क्रम में आप याद रखिए, पहले एमपी बनेगा फर्स्ट रो के लिए, पहले एमपी बनेगा तब जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो फर्स्ट रो में पहले एमपी फिर पीएम, इसको रिपीट कर दीजिए, एमपी पीएम। दूसरी वाली रो में आप कैसे भी याद रख लीजिए, सीता माता, सीता माता एस एम, सीता माता एस और सीता एम पर माता, तो सीता माता, सीता माता। दो बार आप सीता माता लिखिए। पहली वाली रो में आपने अल्टरनेट किया एमपी और पीएम अल्टरनेट, दूसरी वाली रो में आपको सीता माता दो बार लिखना। तो आप लिखिए एस एम एस एम। इसके बाद आप थर्ड और फोर्थ में सीता माता की जगह उल्टा कर दीजिए, माता सीता, एम एस एम एस। तो फर्स्ट फिगर हमने की एमपी, कोई आदमी एमपी होगा फिर जाके पीएम बनेगा, इसको रिपीट कर दीजिए। सेकंड वाली रो में आप सीता माता से शुरू कीजिए एस एम से, उसको दो बार लिखना है एस एम एस एम, फिर इसको पलट दीजिए एम एस एम एस। थर्ड रो में सभी में आपको एस पी, ठीक है एस पी। थर्ड रो मीन्स कंक्लूजन, कंक्लूजन में एस पी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो आप पहले में पॉलिटिकल ले लिए, दूसरे में रिलीजन ले लिए, तीसरे में आपने ब्यूरोक्रेसी ले लिया, किसी तरह से आप याद रख लीजिए। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं इसी क्रम में इसी तरह से याद रखिए, आप किसी भी तरह से याद रखिए, बस लेकिन जो फिगर है वो नहीं चेंज होनी चाहिए। फिगर कैसे डिसाइड होती है, फिगर आपसे कोई पूछता है कि आप आकृतियों का निर्धारण कैसे करेंगे या फिगर डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे एम के, एम फॉर मिडिल टर्म, एम की पोजीशन पे, मतलब आकृतियों का निर्धारण की कौन सी आकृति है ये वो मध्यम पद मिडिल टर्म डिसाइड करता है, ठीक है। तो पहली जो हमारी फिगर निकल के आई वो आई एम पी एस एम
एसपी, पहली फिगर है हमारी एमपी, एसएम, एसपी, दूसरी फिगर है पीएम, एसएम, एसपी, और तीसरी फिगर है एमपी, एमएस, एसपी, और फोर्थ फिगर है पीएम, एमएस, एसपी। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। आप चारों फिगर को बना लीजिए कट से, एक सेकंड लगेगा आपको बनाने में, और आपसे जिस तरह से प्रेशर जो आप एग्जामिनेशन में होता है वो रिलीज होगा कि हमको पता है कि कौन सी फिगर है। ठीक है, आप जब फिगर जान गए, फिगर के साथ साथ आपके साथ में मूड, मूड क्या है, तो जो प्रपोजिशन का सीक्वेंस है वो मूड है। प्रपोजिशन का सीक्वेंस क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी आर्गुमेंट में जो ऊपर लिखे होते हैं वो आधार वाक्य कहलाते हैं, और जो नीचे होता है वो कंक्लूजन होता है देयरफॉर के बाद। ठीक है, तो जो हमारे आधार वाक्य हैं वो और जो कंक्लूजन है वो कौन सी प्रपोजिशन है, उनका सीक्वेंस क्या है, वो मूड है। मान लीजिए ये ए प्रपोजिशन है, ये ई है, ये ओ है, तो मूड हमारा हो गया ए ई ओ। जब कभी भी मूड लिखा होगा तो जो लास्ट वाला प्रपोजिशन आएगा वो हमेशा एज ए कंक्लूजन ट्रीट होगा। आपसे बोला जाए आई ई ओ सेकंड फिगर, तो आप समझ जाएंगे कि पहली प्रपोजिशन इसकी आई है, दूसरी ई है, और कंक्लूजन है वो ओ है। तो इसका मूड जो हुआ वो हुआ आई ई ओ, क्योंकि पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, जो भी फिगर हो वो फिगर हो जाएगी। तो मूड प्रपोजिशन का सीक्वेंस क्या है, किस क्रम में है, और फिगर जो हमने आपको ये बताई, चार फिगर, चार आकृतियां, हिंदी में आकृति, और इसको मूड को विन्यास भी बोलते हैं, विन्यास। ठीक है, तो आकृतियां और विन्यास, बिना इसके किसी भी आर्गुमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब किसी भी आर्गुमेंट का एक फिगर होता है और एक मूड होता है। फिगर और मूड के हिसाब से ही उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी हम डिसाइड करेंगे बाय द यूजिंग मेथड ऑफ वेन डायग्राम और सिक्स रूल और ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी आकृति वैध है और कौन सी अवैध है, इसके बारे में बताते हैं। तो फिगर और मूड की जब चर्चा हो गई, आप जान गए, इसके बाद हम बैक टू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में आते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि हम फिगर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी व्हाट्सएप पे कि लगभग हमारे, जब हम पूरी फिगर चारों आकृति को मिला लें, ठीक है, और एक दो तीन प्रपोजिशन को मिला लें और चार प्रपोजिशनों की बात करें, सबका कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनाते हैं तो 256 मूड बन जाते हैं लगभग, और उसमें से केवल और केवल 19 वैलिड मूड हैं, केवल 19 ही वैध विन्यास हैं। आप वो कौन सी वैध है, कौन सी अवैध है, मैं शेयर कर दूंगा। पहली आकृति में जैसे आपको बर्बरा, सिलारेंट, दारी, फेरियो, मतलब ये एरिस्टोटेलियन लॉजिक में जब बोला गया तो चार आकृतियां उनका नाम दे दिया गया कि बराबरा किस आकृति में वैध है, तो प्रथम आकृति। ठीक है, दूसरा सिलारेंट किस में वैध है, तो पहली आकृति में। तीसरा दारी, DARI, एक मैं आपको बता देता हूं, बाकी शेयर कर देता हूं। बारबरा लिखा हुआ है तो मतलब ए, क्या हुआ, आप जो इसके स्वर हैं, कॉन्सोनेंट सॉरी वोवेल्स हैं, उसको आपको ले लेना है। तो ए, ये वाला ए ए, फर्स्ट फिगर के हैं, फर्स्ट फिगर में ए ए ए मूड जो है वो वैलिड है। इसी तरह से यदि हम सिलारेंट की बात करें,
तो जो बबेल उठाइए ये ई है, ई ए है, ई है, ई ए ई, ये वाला मूड भी वैलिड है। ई ए ई भी फर्स्ट आकृति में वैध है। इसी तरह से हर आकृति में वैलिड जो मूड आपके बनेंगे, तो पहली आकृति में चार हैं, दूसरी में भी चार हैं, तीसरी में तीन हैं, और वीकेंड मूड मिला लेंगे तो दो और, तो पांच, और इसी तरह से चार नीचे वाले में, टोटल 19 आपके वैलिड मूड बनते हैं टोटल। मैं अभी बुक से उसको आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए उसके लिए परेशान मत होइए कि कौन कौन सा वैलिड मूड है। आपको वैलिडिटी निकालनी है, बतानी है थ्रू मेथड, वेन डायग्राम के थ्रू कि आकृति वैध है या अवैध। अब आते हैं हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है। कितने भी आप एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन इस जो टिप्स हैं ये आप रूल मान लीजिए, रूल है, उनको हमेशा मेमोराइज करेंगे वेन डायग्राम के पहले, और आपको तब इसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट है आप ध्यान से सुनिए, आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। पहला, आपको केवल और केवल आधार वाक्यों का छायांकन करना। पहला हम नियम जानते हैं कि वेन डायग्राम में केवल प्रेमिसेस को ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ मतलब सेटिंग हो जाए या एक्स आ जाए, जो हमने इसके पहले आपको बताया है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट है वो सामान्यतः दो, उसमें स्टैंडर्ड में दो आधार वाक्य होंगे और एक निष्कर्ष होगा। तो हमने पहला जो आपको बोला कि आधार वाक्यों का ही छायांकन होता है, दूसरा नियम, आधार वाक्य दो होते हैं तो फिर किसका होगा, तो दूसरा नियम आपको याद रखना है कि सबसे पहले यूनिवर्सल प्रपोजिशन को ड्रॉ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल प्रपोजिशन को ड्रॉ करेंगे। सपोज तीसरी कंडीशन हमारी बन सकती है कि मान लीजिए दोनों यूनिवर्सल हैं, जैसे अभी हमने बताया ए ए ए ये मूड है फर्स्ट आकृति का, वैलिड मूड है, तो ए और ए दो शुरुआत वाले जो ए ए हैं वो क्या है, प्रेमिसेस हैं, तो वो प्रेमिसेस दोनों यूनिवर्सल हैं, तो इसमें किसको करेंगे फिर पहले। इसलिए फिर आपको याद रखना है यदि दोनों यूनिवर्सल हैं तो जिसमें पी पद हो, पी फॉर मेजर टर्म, तो जिसमें मुख्य पद हो उसको पहले हम छायांकित करते हैं। फिर एक बार दोहरा लेते हैं, केवल और केवल आधार वाक्यों का छायांकन करते हैं, निष्कर्ष का नहीं करते। दूसरी कंडीशन आती है हमारी कि दोनों आधार वाक्य में सबसे पहले यूनिवर्सल प्रपोजिशन का छायांकन करते हैं। तीसरी जो हमारी कंडीशन आती है कि यदि दोनों यूनिवर्सल हैं तो जिसमें मुख्य पद अर्थात पी होता है उसको हम लोग छायांकित करते हैं या उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि मान लीजिए चौथा कंडीशन आ गई कि दोनों पर्टिकुलर है, यदि पर्टिकुलर और यूनिवर्सल है मतलब सर्वव्यापी है और अंशव्यापी है, तो आपको डिसाइड हो गया कि भाई यूनिवर्सल को करेंगे। दोनों यूनिवर्सल आ गई तब भी पता चल गया हमको कि जिसमें पी होगा उसको करेंगे। तीसरा नियम में जो आगे आया वो नियम में क्या है कि मान लीजिए यूनिवर्सल है ही नहीं, दोनों अंशव्यापी हैं, दोनों पर्टिकुलर प्रपोजिशन है, तो किसको करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों यदि अंशव्यापी हैं तो उसमें भी सबसे पहले जिसमें पी मुख्य पद होता है, मेजर टर्म होता है, उसको छायांकित करते हैं, ठीक है।
तो कंडीशन आपको हमेशा याद रखना, तीन ही सिंपल सा, सबसे पहले आपको यूनिवर्सल करना है, दोनों यूनिवर्सल है तो पी टर्म वाले को पहले करना है, यदि मान लीजिए दोनों अंशव्यापी हैं तो जिसमें पी है उसको करेंगे, ठीक। अब आए हम वैलिडिटी चेक करने की बात करें, हमने बोला केवल आपको आधार वाक्यों का छायांकन करना है, ओके। इसके बाद अब वैलिडिटी चेक कैसे करेंगे वेन डायग्राम से, तो आप निष्कर्ष की ओर देखेंगे, निष्कर्ष जो बोल रहा है, जो कह रहा है निष्कर्ष, वो ऑटोमेटिकली आधार वाक्यों से ड्रॉ हो गया होगा, तो आर्गुमेंट वैलिड है, और यदि नहीं हुआ होगा तो आर्गुमेंट इनवैलिड है। क्या बोला कि यदि आधार वाक्यों से निष्कर्ष स्वतः अपने आप छायांकित हो गया हो तो वह युक्ति वैध कहलाएगी, और यदि नहीं हुआ हो तो युक्ति अवैध कहलाएगी। एज सच फॉलो होना चाहिए जो कंक्लूजन कह रहा है, कंक्लूजन जो कह रहा है वो आधार वाक्यों से हो गया है कि नहीं हो गया है अपने आप, यदि हो गया है तो वैलिड है, नहीं हुआ है तो इनवैलिड है। लेकिन केवल छायांकन आधार वाक्यों का ही करेंगे। कोई कोई बच्चा स्टूडेंट पर जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि तीनों आधार वाक्य, तीनों प्रपोजिशन को उसने कर दिया, तो ये रॉन्ग है, ये वैसे ही प्रपोजिशन गलत, पूरा आर्गुमेंट ही गलत हो जाएगा। खैर, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आधार वाक्यों का छायांकन होगा और वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे। ये तो कुछ वेन डायग्राम के कुछ नियम कानून है। अब सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है कि अब इसको हम देखें कि कैसे सॉल्व करें। पहले हम आपको शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि सपोज हम कोई भी मूड ले ले और कोई भी आकृति ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है। चलिए हमको मान लीजिए ए ए ए याद आ रहा है, फर्स्ट फिगर, ठीक है। मूड क्या है, ए ए ए फर्स्ट फिगर, आपको पता है, अभी हमने बताया था कि आकृति वैध आना चाहिए फर्स्ट फिगर में, ए ए ए मूड वैलिड होता है। अब देखते हैं वेन डायग्राम से चेक कर लेते हैं कि सही बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप लोग प्रक्रिया अपना लीजिए, क्या करेंगे, आपने आधार वाक्यों जो मूड है उसको एक क्रम में लिख लेंगे, लिखेंगे ए ए, और आपको ये पता है कि लास्ट वाला जो है वो क्या है, कंक्लूजन, ये ए हमने एक लाइन खींच के बना दिया, क्या लिखा है, फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर, तुरंत आप याद करिए क्या बोला है, पहले फर्स्ट फिगर में एमपी बनेगा, पकड़ लिया आपने एमपी, दूसरी फिगर में, दूसरी लाइन में क्या था, सीता माता, एस एम, कंक्लूजन में क्या था, एसपी, हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। हमने फिगर लिख ली, मूड लिख लिया, अब आधार वाक्यों को या पूरी प्रपोजिशन को वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं, कल हमने बताया था आपको कि ए प्रपोजिशन को कैसे लिखेंगे, एसपी बार इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बताया था। तो आप इसको लिख लो, क्या है ये, ए प्रपोजिशन है। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से रहिए, बहुत बच्चा यहीं पे गलती करते हैं कि सर आपने तो एसपी कहा था, एसपी इक्वल टू जीरो, ए प्रपोजिशन होती है एसपी बार इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एसपी तो इसमें तो कहीं है नहीं है, तो आप इसका यदि हम भूल जाए कि ये दो और हैं और हम केवल एक प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो पहला वाला पद ये क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा, आप जान रहे हैं, पहला पद प्रपोजिशन, केवल एक प्रपोजिशन में उद्देश्य कहलाएगा, मतलब ये एस होगा, और ये विधेय कहलाएगा, ये पी होगा। तो एस पी की जगह क्या लिखा है, एम पी लिखा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो हम एम पी बार इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने,
एसपी की जगह हमने क्या लिख दिया, एसपी बार की जगह एमपी बार, ठीक है। दूसरी वाली प्रपोजिशन में इसको भी जो पहले होगा वो एस, जो बाद में होगा वो पी। ये एम एस एम जो है पूरी आर्गुमेंट का बात हो रही है, लेकिन हम जब प्रपोजिशन लिख रहे हैं तो इंडिविजुअल प्रपोजिशन की बात हो रही है। तो पहला वाला पद एस वो देव, दूसरा पी प्रेडिकेट। तो एक अर्थवाक में एस एम बार इक्वल टू जीरो, दूसरा वाला हो गया। तीसरा हमारा हो गया एस पी बार इक्वल टू जीरो, तीनों ए प्रपोजिशन है, हमने ये लिख दिया। ये हमारा वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम को बनाने के लिए हमने बताया आपको कि तीन सर्किल आपस में बराबर काटते हुए बनाएंगे, इक्वल डिवीजन हो। पहला एस बनाया, दूसरा पी बनाया, और तीसरा एम जो है वो नीचे की तरफ बनाएंगे एम। पहले को एस, दूसरे को पी, और जो नीचे की तरफ है उसको एम मान लिया हमने। तीन कदम थे हमारे आर्गुमेंट को, क्या है, तीन पद हैं एसपीएम। अब आर्गुमेंट की बात होगी तो एसपीएम के नाम चेंज है, कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये उद्देश्य पद ना कहला के अभी क्या हो गया, ये हो गया माइनर टर्म, पी हो गया मेजर टर्म, और एम हो गया मिडिल टर्म, ठीक। अब आपको पता था कि ये ए है, ये भी ए है, और ए भी ए है। नियम जो हमने अभी बताए हैं, जिनको हम नियम कह रहे हैं, कुछ भी कहिए आप लोग, कि सबसे पहले आधार वाक्यों का छायांकन होता है, ठीक है। फिर क्या बोला था कि आधार वाक्यों में सबसे पहले सर्वव्यापी तर्क वाक्य को छायांकित करते हैं। तो सर्वव्यापी ये भी है और ये भी है। सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ए और पी होते हैं, तो दोनों ए है तो दोनों यूनिवर्सल है। दूसरा भी नियम से काम नहीं चला। फिर हम तीसरे में आए कि यदि दोनों यूनिवर्सल हैं तो जिसमें पी होगा उसको पहले कर दो। तो पी किसमें है, इसमें पहली वाली प्रपोजिशन में पी है, मतलब मुख्य पद जो है मेजर टर्म किसमें है, पहली वाली में पी। तो इसको हम सेट करेंगे। अब देखिए, अब पढ़िए, लिखा हुआ है आपको एकदम रफली लोकल लैंग्वेज में, आप समझिए बिल्कुल हम सिंपल तरीके से। बेटा कंफ्यूज कोई मत होइएगा, ये क्या है एम पी। क्या आपको अब करना है कि एम वाला सर्किल देखना है और पी वाला सर्किल देखना है। सबसे पहले सर्किल आइडेंटिफाई करिए, ये एम वाला है हमारा, एस वाला भूल जाओ, और ये पी वाला है, ठीक है। अब कह रहा है, हमने क्या बोला था आपको, कैसे पढ़ना है इसको, कि एम वाले सर्किल से जिसमें बार है वो हटा दो, बार मतलब वो नहीं है। तो एम वाले सर्किल से पी वाले सर्किल को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। कैसे, एम वाले सर्किल से पी, पी को हटाना है, तो पी कहां जा रहा है, ये है पी, ये पी है ना, इसको हमने हटाया तो केवल इतना पोर्शन बच रहा है एम, ठीक है, केवल इतना बच रहा है एम। ये क्या है, ये जीरो है। तो जीरो जब होता है तो आपको क्या करना है, हमने बताया सेडिंग करनी है। एमपीटी क्लास के लिए क्या करना है आपको, सेड सेड बना दीजिए पूरे में। ये हमने जानबूझ के गलत बनाया है, आप लोग इस पे फोकस कीजिए। बहुत से स्टूडेंट केवल आंख देखते हैं और पोर्शन पूरा नहीं पता करके केवल इतने में सेटिंग करके चले आते हैं, गलत हो गया आपका। आपको जितना पोर्शन बोला गया है उतने एग्जैक्ट उतना पोर्शन को लेना है। तो ये वाला पोर्शन भी है हमारा, ये हुआ इसका।
ये सेटिंग हुई, ठीक है। पहली वाली प्रपोजिशन को हमने आपको रेखांकित कर दिया, इसका छायांकन कर दिया। अब दूसरी वाले में आते हैं, दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी में एस और एम क्या करना है, एस वाले गोले को देखना है, सर्किल को, और एम वाले सर्किल को देखना है। फिर बार किसमें है, एम वाले में है, क्या पढ़ेंगे, एस वाले से एम वाला हटा दो, जिसमें बार है उसको हटा दो, एस वाले सर्किल से एम वाला सर्किल हटा दो, उतना पोर्शन ले लो बस। एस वाले सर्किल से ये एस है, से एम वाला सर्किल हटा दो। एम देखो कहां से जा रहा है, ये जा रहा है, एम हमने हटाया, हटा दिया तो इतना एस बच रहा है, ये आ रहा है। इतना एस आ रहा है, ठीक है। ये पोर्शन हमको पता चल गया है, क्या बोल रहा है, एस एम बार इक्वल टू जीरो, जीरो कर दो इसको, क्या करना है, जीरो का मतलब सेटिंग, ओके। दोनों आधार वाक्यों का हमने छायांकन कर दिया, उनका रेखांकन कर दिया, कुछ भी बोलिए, ठीक है। अब हमने बोला कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी कैसे चेक करें, तो आपको फोकस करना है कि कंक्लूजन क्या बोल रहा है। कंक्लूजन बोल रहा है एस पी बार, एस पी बार मतलब एस वाले पोर्शन से पी वाले पोर्शन को हटा दीजिए और उतना भाग लीजिए, एस वाले पोर्शन से पी वाला पोर्शन हटा दें, एस वाले पोर्शन से पी वाला पोर्शन हटा दिया, बचा इतना पोर्शन ये वाला। ये कह रहा है कि ये जीरो होना चाहिए, कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ये जीरो होना चाहिए, तो जीरो है सेटिंग है, तो क्या एम्प्टी क्लास को दर्शाता है वो, तो पूरे इस पे देखिए सर्किल में सेटिंग मतलब ये हमारा एस सच जो कंक्लूजन बोल रहा है वो प्रेमिसेस के थ्रू हो गया। हमने कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं किया, कंक्लूजन के बारे में पता किया कि ये हो गया है कि नहीं हो गया है, तो हो गया है भाई, जो प्रेमिसेस के माध्यम से कंक्लूजन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया है। जब ये ऐसा हो जाता है, कंक्लूजन जो बोले वो ऑटोमेटिकली हो गया है, तो आर्गुमेंट वैलिड वैध हो जाता है। इसलिए हम लिख देंगे ए ए ए फर्स्ट फिगर आर्गुमेंट इज वैलिड। तो हमारी वेन डायग्राम से हमने आपकी टेस्टिंग कर ली कि ये आर्गुमेंट हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। सपोज इसी क्वेश्चन में ये होता या इतना फिगर होता और सेम होता, तो एस पी बार इक्वल टू जीरो हो रहा था कि नहीं हो रहा था, यहां पे नहीं हो रहा था, ये एस वाला पोर्शन जीरो होना चाहिए था, ये नहीं, यहां पे ब्लैक हो गया था, तो ये इनवैलिड होता, अर्थात जो कंक्लूजन बोल रहा है वो नहीं हुआ है, तो हम लिखते थे आर्गुमेंट इनवैलिड। लेकिन इसमें आर्गुमेंट वैलिड है क्योंकि हमारा एस सच जो बोल रहा है इस पर है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक कोई भी एक मन में सोच लीजिए, हमको नहीं पता, हम सोच ले, चलिए सेकंड फिगर, कुछ भी हमने दे दिया, ए ई आई सेकंड फिगर, वेन डायग्राम से बताइए कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। ए ई आई, चलो लिखो क्या है, सेकंड फिगर, सेकंड फिगर क्या होती है, एम पी बनेगा फिर जाके पी एम बनेगा, सीता माता को दो बार रिपीट करना है और एस पी लिखना है, मूड एस सच लिख दो ए आई,
वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं? आप लिखो ए प्रपोजिशन को क्या लिखते हैं, एस पी बार इक्वल टू जीरो, यहाँ एस पी की जगह पीएम लिखा है तो पीएम बार इक्वल टू जीरो, ई में क्या करते हैं एस पी इक्वल टू जीरो, बार आर नहीं है ई में, तो यहाँ पर एस पी की जगह एस एम लिखा है एस एम इक्वल टू जीरो, और आई में एस पी नॉट इक्वल टू जीरो। हमने इस तरह से वेन डायग्राम में प्रोपोजिशंस को कैसे हम ड्रॉ करते हैं ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इतना काम होने के बाद आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, कर लीजिए। तीन सर्किल बना लिए आपने, एस पी एम सबको नाम दिया, ये ए है ये ई है और ये आई है। सेम रूल दोहराइए, केवल आधार वाक्यों को सेट करेंगे, उनका रेखांकन करेंगे। आधार वाक्यों में सबसे पहले यूनिवर्सल का करेंगे, ए और ई दोनों यूनिवर्सल हैं। फिर तीसरी समस्या आ गई कि दोनों यूनिवर्सल हैं तो जिसमें मेजर टर्म हो उसको पहले करेंगे, तो मेजर टर्म किसमें है, उसमें पी हमारा इसमें है मेजर टर्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए प्रपोजिशन पी का सर्कल देखो और एम का सर्कल देखो, पी वाले से एम वाला हटा दो, बार है ना, पी वाले से एम वाला हटा दो, पी वाला सर्कल ये है, पी से कह रहा है एम वाला, ये देखो क्या एम वाला हटा दिया, एम वाले को यहां से हमने रिमूव किया, तो बचा पोर्शन कह रहा जीरो है, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो गया। दूसरी प्रपोजिशन में आइए, बोला एस एम इक्वल टू जीरो, अब इसमें किसी को हटाना वटाना नहीं है, एस एम वाला पोर्शन मतलब एस का सर्किल और एम का सर्किल में एस एम वाला पोर्शन कौन सा है, एस का सर्किल और एम का सर्किल में एस एम वाला पोर्शन कौन सा है, मतलब जो एस भी है और एम भी है, ये वाला पोर्शन हुआ ना, ये कितना पोर्शन हुआ जो एस भी है और एम भी है, ये भी क्या है बोल रहा है ये जीरो है, तो मतलब इसको भी आपको सेटिंग कर देना है, सेटिंग हो गया दोनों आधार वाक्य। अब क्या करना है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, हो गया होगा तो वैलिड, नहीं हुआ होगा तो इनवैलिड। निष्कर्ष बोल रहा है एस पी वाला पोर्शन देखिए, जो एस है और पी है मैं एस पी ये वाला बीच वाला, ये कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, और ये क्या है, ये जीरो है, एम्प्टी क्लास है, सेटिंग है, तो जो निष्कर्ष बोल रहा है वो नहीं हो रहा है आधार वाक्यों से, तो आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा। आप लिख देंगे ए ई आई सेकेंड फिगर आर्गुमेंट इज इनवैलिड, ओके। इस तरह से आधार वाक्यों से हम निष्कर्ष को ड्रॉ कर रहे हैं, निष्कर्ष ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी चेक कर, ठीक है। आज अपने मन से एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग घर में बैठ के आज के क्लास में यदि कोई समस्या है तो आप लोग प्रश्न पूछिए हमसे और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज घर में जरूर कीजिए, अभी वेन डायग्राम की एक्सरसाइज हम लोग क्लास में भी और करेंगे, ठीक है। कोई भी समस्या हो किसी को तो प्लीज पूछिए। हेलो, यस सर, आ गया समझ में सर। बेटा वॉइस के साथ पूछिए आप लोग अनम्यूट करके। सर ये जो सेकंड आर्गुमेंट था इसमें जो है
उसमें हम लोगों ने आधे से ज्यादा सर्किल जो बीच का जो पार्ट था वो भी कैसे जो है क्या कहता है शेड कर दिया। सेकंड आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हेलो, यस सर, एनीबॉडी लिसनिंग मी? यस सर, यस सर, आ रही है सर आवाज। हेलो, यस सर, हेलो, हेलो जी सर, आ रही है आवाज? आ रही है सर आवाज, आ रही है। यस सर। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। सर सेकंड प्रेमिस में जो सेकंड आपने एक्सरसाइज बताई थी SM equals to 0 जो बताया था आपने, उसमें जो है सर एक बार और शेडिंग बता दीजिए कि कैसे। अच्छा, SM, हाँ सर, जो S का फोर्स, ये SM दो सर्किल देखना है, S वाला और M वाला, ठीक है? यस सर। SM वाले में, S वाला और M वाले में SM वाला पोर्शन कौन है, ये इसको आइडेंटिफाई करना है। यस सर। SM वाला पोर्शन कौन सा हुआ जिसमें S भी है और M भी है, ठीक है? SM में ये वाला पोर्शन मतलब S का भी पार्ट है इसमें और M का भी पार्ट है, ये वाला पोर्शन हमारा ये SM पोर्शन हुआ, ये जो बोल रहा है वो है। अरे तो तुमने तीन सर्किल दिए थे ना, सिंपल प्रोपोजिशन में पहले बताए थे। यदि S के संदर्भ में समझो तो पहला वाला पोर्शन यदि इसको S माने, इसको P माने, तो ये वाला पोर्शन जितना है वो क्या कहलाता है? एस पी बार, इसमें पी नहीं है। दूसरा वाला ये वाला है, इसमें एस बार पी, इसमें एस नहीं है इस वाले पोर्शन में। और बीच वाला एक जो बचता है वो क्या है? एस पी, मतलब इसमें दोनों है, एस भी है और पी भी है, सेम ये है, एस भी है और एम भी है। तो एस और एम ये वाला पोर्शन ये आया, ये ठीक है। इसको जीरो से सेटिंग कर दिया, ठीक। Yes, sir. और